निकले तो समाधान के लिए है, निकले तो समाधान के लिए है। कितना समाधान करते हैं तो समय बताएगा। ये बोल है बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी के दिनारा विधायक विजय कुमार के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले ये पहले नेता नहीं है। आरजेडी के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री लगातार सीएम नीतीश के खिलाफ बोलते ही रहे हैं, लेकिन यह राजनीति का चेहरा है। कहा जाता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो बगावती तेवर कुछ न कुछ संकेत जरूर देते हैं। आरजेडी के विधायक विजय कुमार मंडल ने भी हालांकि किसानों के हित की मांगों को रखते हुए ही सीएम पर निशाना साधा, लेकिन फिर वो जो बोल गए वो आप खुद सुन लीजिए। विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ। हम लोग भी इसके जिम्मेवार हैं। रघुवंश बाबू ने बिहार को क्या नहीं किया, गांव गांव में सड़क बनाया जिसकी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली। बिहार में बिजली का जो सुधार हुआ वो यूपीए 1 का देन है, और मनमोहन सिंह ने यह काम किया और जिसके चलते बिहार में बिजली का आपूर्ति सही हुआ। और मुख्यमंत्री जी लगे हैं, मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इस यात्रा में अफसरों पर लगाम लगाएंगे। प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और कहीं किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, और आप समाधान यात्रा पर निकले हैं। किस समाधान के लिए? इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। बहुत उम्मीद है आपसे, तो आपको इनके तरफ भी ध्यान देना होगा। किसानों की स्थिति आज क्या है? 1600 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है, उसका लागत भी नहीं मिल रहा है, तो किसान तो बहुत दुखी हैं। खाद ब्लैक मिल रहा है। इसके बाद आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भाजपा का एजेंट बता दिया। वह कानून निरस्त हुआ, लेकिन बिहार में 2006 में कानून जो निरस्त हुआ था वह नीतीश कुमार जी आज तक नहीं लागू किए, तो एनडीए के एजेंडा पे कौन चल रहा है? एनडीए के एजेंडा पे नीतीश कुमार चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पे नीतीश कुमार चल रहे हैं। ये उस संदर्भ में उनका बयान था। आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन में होते हुए भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, एनडीए के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, निश्चित उनके एजेंडा पे अभी भी वो चल रहे हैं। उन्होंने अपने एजेंडा जो पुराने जो एजेंडा है जो भाजपा के एजेंडा उससे वो अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। और भाजपा वाले तो इसलिए केवल उन पर आरोप लगाते हैं, तरह तरह का आरोप लगाते हैं कि उनको सत्ता से बेदखल कर दिया है, सत्ता की हिस्सेदारी जो भारतीय जनता पार्टी थी हिस्सेदार को घर से बाहर निकाल दिए, इसलिए नाराज होकर वो तरह तरह का आरोप लगाते हैं। दोनों तो एक ही है ना। इन सब के बीच सोमवार को सारण पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर महागठबंधन के विधायकों के लिए चुनौती देते हुए कहा था कि एक्शन होगा। स्पष्ट पहले भी कहा था कि इस तरह का बयानबाजी अगर करते हैं तो वो बीजेपी के नीतियों को समर्थन देते हैं, और ये कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि महागठबंधन के नेतृत्व के बारे में अगर कोई सवाल उठाता है तो। और हम लोगों का जो खुला अधिवेशन भी हुआ था वहाँ साफ तौर पे महागठबंधन पर या महागठबंधन के निर्णय को लेकर के कोई भी अगर बात होगी तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे को अतिरिक्त किया गया है कि इस पर बयान अगर कोई देगा तो हम लोग अगर कोई ऐसा काम करता है तो साफ तौर पे वो बीजेपी को समर्थन देगा, तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। वो तो करेंगे, तेजस्वी जी को सीएम बनाना है इसलिए वो बयान दे रहे हैं, इस तरह की बात तो बोल रहे हैं सुधाकर सिंह। नहीं नहीं, हम देखिए ज़्यादातर हम उनका बयान जो है सुने हैं, उसमें साफ तौर पे क्या बोले हैं नहीं बोले हैं ये आप लोग सब लोग जान रहे हैं, और ये ठीक बात नहीं है। और इस पे पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में ये मामला है, एक एक चीज देख रहे हैं। शायद इसी चेतावनी ने विजय मंडल को अपने बयान बदलने पर मजबूर कर दिया, और मंडल ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन सीएम के खिलाफ लगातार बयानबाजियों को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है।